हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद पीएन सर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में ऑल ओवर महाराष्ट्र कहीं पे भी पढ़ते होंगे उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। देखिए, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें से हमने सब क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसके पहले वीडियो लेक्चर में देखा है। आज हम रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 1 में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें स्टेटमेंट पैटर्न दिए गए हैं और उनका ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। फोर्थ नंबर का जो सब क्वेश्चन है यहाँ पे स्टेटमेंट पैटर्न जो हमें दिया है पी कंडीशनल निगेशन ऑफ क्यू एंड आर। देखिए यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट्स 3 है, कौन कौन से, पी क्यू आर। तो 2 raised to 3 equals to 8, मतलब यहाँ पे एंट्रीज टोटल 8 रहेंगे, ओके। फिर इसके बाद लॉजिकल कनेक्टिव देखिए कितने, 1, 2, 3 3 लॉजिकल कनेक्टिव है, 3 स्टेटमेंट्स प्लस 3 लॉजिकल कनेक्टिव इक्वल्स टू 6 कॉलम रहेंगे, ठीक है ना। 3 स्टेटमेंट्स है पी क्यू आर और 3 लॉजिकल कनेक्टिव है कंडीशनल निगेशन एंड 3 plus 3 equals to 6। इसका मतलब यहाँ पे 6 कॉलम रहेंगे और हर एक कॉलम में 8 एंट्रीज रहेंगी, ठीक है। देखिए कॉलम कौन कौन से रहेंगे, अब हमें यहाँ पे ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। पहला कॉलम रहेगा हमारा P, फिर Q, इसके बाद का रहेगा R, ओके। फिर इसके बाद Q एंड R, इसके बाद का रहेगा निगेशन Q एंड R, देन कंप्लीट स्टेटमेंट पैटर्न पी कंडीशनल निगेशन ऑफ क्यू एंड आर, ओके। अब कॉलम नंबर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 and 6 ये रहेंगे कॉलम। कॉलम पी में एंट्रीज देखिए, अब 8 एंट्रीज लेने हैं हमें, तो कॉलम पी के एंट्रीज रहेंगे टी टी, फिर एफ एफ एफ, ओके। क्यू में देखिए एंट्रीज क्या रहेंगे, टी टी एफ एफ, ओके। इस आर में रहेंगे टी एफ टी एफ टी एफ, ठीक है। जब भी हमें 8 एंट्रीज लेने हैं तो कॉलम पी में पहले 4 टी 4 एफ, कॉलम क्यू में 2 टी 2 एफ और कॉलम आर में टी एफ, इस प्रकार से रहेंगे। अब क्यू एंड आर लेना है, मतलब टी एंड टी रहेगा, टी एंड एफ 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 एंड टी एफ एफ एंड एफ एफ, टी एंड टी टी एंड एफ एफ एंड टी एफ एफ एंड एफ एफ, यह है क्यू एंड आर। अब इसका हमें निगेशन लेना है तो ये रहेगा एफ टी 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 एफ टी टी टी, ठीक है। अब पी कंडीशनल देखिए, पी कंडीशनल निगेशन ऑफ क्यू एंड आर, टी कंडीशनल एफ एफ रहेगा, टी कंडीशनल टी टी रहेगा। हमें कंडीशनल में पता है पहला टी दूसरा एफ है तो ही एफ लेना है, बाकी सब जगह पे टी लेना है, ठीक है। टी कंडीशनल टी टी रहेगा, टी कंडीशनल टी टी रहेगा, एफ कंडीशनल एफ टी रहेगा, एफ कंडीशनल टी टी रहेगा, एफ कंडीशनल टी टी रहेगा, एफ कंडीशनल टी टी रहेगा, ठीक है। तो कॉलम नंबर 6 में, मतलब स्टेटमेंट पैटर्न जो है उसके कॉलम में एंट्रीज देखिए यहाँ पे हमें किस प्रकार की मिली है, एफ टी 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 टी, ओके। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है जिस स्टेटमेंट पैटर्न के सभी एंट्रीज टी रहेंगे उसे हम टॉटोलॉजी कहेंगे, जिस स्टेटमेंट पैटर्न के सभी एंट्रीज एफ रहेंगे उसे हम कॉन्ट्राडिक्शन कहेंगे, जिस स्टेटमेंट पैटर्न के लिए एंट्रीज मिक्स रहेंगे मतलब सभी टी नहीं रहेंगे सभी एफ नहीं रहेंगे उसे हम कंटिंजेंसी कहेंगे, ठीक है। ये आगे जाके हमें देखना है। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट सब क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट पैटर्न दिया है उसका ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। सब क्वेश्चन 5 देखिए, निगेशन पी एंड पी और निगेशन क्यू एंड क्यू। अब यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट्स 2 है, कौन कौन से, पी और क्यू, ओके। तो 2 raised to 2 इसका मतलब एंट्रीज हमारे पास 4 रहेंगे,
हर एक कॉलम में एंट्रीज 4 रहेंगे. ओके, अब हम नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम्स कितने रहेंगे ये देखते हैं. यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट्स 2 हैं, पी और क्यू, और लॉजिकल कनेक्टिव्स देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 लॉजिकल कनेक्टिव है, तो 2 + 5 इक्वल्स टू हमें 7 मिलेगा. ठीक है ना, देखिए लॉजिकल कनेक्टिव 1, 2, 3, 4, 5, 5 लॉजिकल कनेक्टिव है और 2 सिंपल स्टेटमेंट्स है, तो कॉलम हमें 7 मिलेंगे. ओके, देखिए अब हम ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं. इस ट्रूथ टेबल में अब हमें कॉलम लेने हैं. पहला कॉलम रहेगा हमारा P, फिर Q, इसके बाद हमें निगेशन Q लगेगा, तो निगेशन Q लेते हैं, फिर इसके बाद P और निगेशन Q. ओके, फिर इसके बाद में P और निगेशन Q के साथ, P और निगेशन Q इसके साथ एंड Q. ये देखिए हम हमारे रिक्वायरमेंट से ले रहे हैं. पहले हमें P और निगेशन Q फाइंड करना है, तो इसके लिए हम पहले निगेशन Q लिया, फिर बाद में P और निगेशन Q लिया, फिर बाद में P और निगेशन Q एंड Q लिया, फिर अब इसके बाद इसके साथ निगेशन P लगेगा, लेकिन निगेशन P हमने अभी तक नहीं लिया है, तो यहाँ पे निगेशन P लेते हैं. ओके, और लास्ट में कंप्लीट स्टेटमेंट पैटर्न लेते हैं, निगेशन P एंड निगेशन, सॉरी, P और निगेशन Q, P और निगेशन Q एंड Q. ठीक है, कंप्लीट स्टेटमेंट पैटर्न हमने लिया है. अब देखिए ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 7. टोटल हमें 7 कॉलम मिले हैं. ओके, अब इसके बाद देखिए ये जो P का कॉलम है इसमें एंट्रीज रहेंगी TTFF, क्योंकि हमें 4 एंट्रीज लेने हैं, 2T 2F रहेंगे. Q के कॉलम में TF TF. ओके, निगेशन Q का जो कॉलम रहेगा FTFT. ठीक है, फिर बाद में P और निगेशन Q T और F T F और F F और T T. ठीक है, अब इस P और निगेशन Q के साथ हम एंड Q लेते हैं, T and T, T and F, F, F and T, F, T and F, F. तो ये हमें TFFF मिला है. ठीक है, T and T, T and F, F, F and T, F, T and F, F. अब निगेशन P रहेगा FF TT. ओके, निगेशन P का कॉलम FF TT. अब इन दोनों में अगर हम एंड लेते हैं, T and F, F, F and T, F, F and T, F, again F and T, F. तो हमारा जो कॉलम नंबर 7 मतलब कंप्लीट स्टेटमेंट पैटर्न है, उस कंप्लीट स्टेटमेंट पैटर्न के कॉलम में हमें सभी एंट्रीज F मिले हैं. ठीक है ना, जब सभी एंट्रीज F रहेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन. ठीक है, यहाँ पे हमें इसे मतलब डिटरमाइन नहीं करना है. ओके, लेकिन जब सभी एंट्रीज एफ रहेंगे तब उसे हम क्या कह सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन. ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देखिए स्टेटमेंट पैटर्न क्वेश्चन नंबर 6 का, निगेशन पी कंडीशनल निगेशन क्यू एंड निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन पी. अब यहाँ पे हमारे पास देखिए यहाँ पे जो सिंपल स्टेटमेंट्स है 2 है, तो 2 raised to 2 = 4. इसका मतलब हर एक कॉलम में 4 एंट्रीज रहेंगे. अब नंबर ऑफ कॉलम्स तो कैसे हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट्स 2 हैं और लॉजिकल कनेक्टिव्स हम काउंट करते हैं, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, अब इसमें ये देखिए, अब इसमें निगेशन पी निगेशन क्यू रिपीट हुआ है. ओके, तो निगेशन पी निगेशन क्यू हमें बाद में लेने की और उसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो देखिए अब कॉलम क्या क्या रहेंगे ट्रूथ टेबल, ये जो ट्रूथ टेबल है इसमें कॉलम, पहला कॉलम P, दूसरा कॉलम Q, तीसरा कॉलम निगेशन P, नेक्स्ट कॉलम निगेशन Q, फिर इसके बाद का कॉलम निगेशन P कंडीशनल निगेशन Q, फिर इसके बाद का कॉलम क्या रहेगा, निगेशन Q कंडीशनल निगेशन P, और लास्ट कॉलम क्या रहेगा, देखिए
निगेशन पी कंडीशनल निगेशन क्यू एंड निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन पी। ओके अब हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब लॉजिकल कनेक्टिव काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। वैसे अगर देखा जाए तो 2 + 7 कितना आना चाहिए था 9, लेकिन यहां पे निगेशन रिपीट हुआ है, ठीक है ना। अब ये जो स्टेटमेंट्स है सिंपल स्टेटमेंट्स, वैसे अगर देखा जाए तो निगेशन पी सेम ही है, निगेशन क्यू सेम ही है, ठीक है। भले वो सिंपल स्टेटमेंट्स नहीं है लेकिन निगेशन पी निगेशन क्यू रिपीट हुआ है। तो 2 + 7 = 9, ऐसा ना लेते समय यहां पे हमें लेना है 2 + 5 = 7, समझ रहे ना। ये डिफरेंस, यहां पे डिफरेंस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। आप देखिए पहला कॉलम P का है, दूसरा कॉलम Q, तीसरा कॉलम निगेशन P, नेक्स्ट कॉलम निगेशन Q, नेक्स्ट कॉलम निगेशन P कंडीशनल निगेशन Q, फिर इसके बाद का कॉलम और फिर ये लास्ट कॉलम 7 नंबर का जो है, यहाँ पे क्या करना है हमें कंप्लीट स्टेटमेंट पैटर्न लेना है। अभी हर कॉलम में एंट्रीज 4 रहेंगे, तो P के कॉलम में एंट्रीज देखिए क्या रहेंगे, TT FF, क्यू के कॉलम में TF TF, निगेशन पी के कॉलम में FF TT, निगेशन क्यू के कॉलम में FT FT, ओके। निगेशन पी कंडीशनल निगेशन क्यू मतलब F कंडीशनल F, F कंडीशनल F T रहेगा, F कंडीशनल T रहेगा, T कंडीशनल F F मिलेगा, T कंडीशनल T रहेगा, ओके। अब निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन पी है ये कॉलम, निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन पी, ओके। अब देखिए हमें इधर से इधर जाना है, निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन पी, एफ कंडीशनल एफ टी, टी कंडीशनल एफ एफ, एफ कंडीशनल टी टी, टी कंडीशनल टी टी। अब इन दोनों में हमें एंड लेना है, टी एंड टी टी, टी एंड एफ एफ, एफ एंड टी F, T and T, T। तो इस प्रकार से देखिए यहां पे लास्ट कॉलम में हमें एंट्रीज क्या मिले हैं, TF FT। देखिए अगर आपको याद है तो P by conditional Q, इसका अगर आपको ट्रूथ टेबल याद है तो P by conditional Q के कॉलम में भी यही एंट्रीज रहते हैं TF FT। इसका मतलब P by conditional Q और ये स्टेटमेंट पैटर्न जो हमारे सामने, दोनों भी स्टेटमेंट पैटर्न सेम है क्योंकि दोनों भी स्टेटमेंट पैटर्न के लिए एंट्रीज सेम आते हैं। P by conditional Q के एंट्रीज यही है TF FT और इस स्टेटमेंट पैटर्न के एंट्रीज भी TF FT है। तो जिन दो स्टेटमेंट पैटर्न के एंट्रीज सेम रहते हैं, एग्जैक्टली सेम रहते हैं, आइडेंटिकल रहते हैं, ऐसे दो स्टेटमेंट पैटर्न को हम लॉजिकली इक्विवेलेंट कहते हैं। इसका मतलब P by conditional Q, दिस स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ निगेशन पी कंडीशनल निगेशन क्यू एंड निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन पी। ये भी आगे हमें देखना है, ठीक है। हम उस प्रकार के दो स्टेटमेंट पैटर्न को लॉजिकली इक्विवेलेंट कह सकते हैं जिन स्टेटमेंट पैटर्न्स के एंट्रीज आइडेंटिकल रहेंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सब क्वेश्चन 7 देखिए, क्यू कंडीशनल पी और निगेशन पी बाय कंडीशनल क्यू। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं सिंपल स्टेटमेंट्स कितने हैं, 2, कौन कौन से, P और Q, ओके। और लॉजिकल कनेक्टिव्स 1 2 1 2 3 4, 2 + 4 = 6, 6 इस ट्रूथ टेबल में कॉलम रहेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स हैं और 4 लॉजिकल कनेक्टिव्स है, कंडीशनल और निगेशन बाय कंडीशनल। तो इस ट्रूथ टेबल में 6 कॉलम रहेंगे। अब एंट्रीज देखते हैं, 2 स्टेटमेंट्स है तो 2 raised to 2 = 4 एंट्रीज रहेंगे, ठीक है। देखिए ट्रूथ टेबल का जो पहला कॉलम है, ये पहला कॉलम रहेगा P, दूसरा कॉलम Q, तीसरा कॉलम Q कंडीशनल P, फिर इसके बाद लेते हैं हम निगेशन P, फिर इसके बाद का कॉलम निगेशन पी बाय कंडीशनल क्यू, और लास्ट कॉलम रहेगा हमारा क्यू कंडीशनल पी और
निगेशन पी बाय कंडीशनल क्यू. ओके, कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 and 6. पी के कॉलम में एंट्रीज देखिए, 4 एंट्रीज है तो 2T और 2F. क्यू के कॉलम में 1T, 1F, 1T, 1F. ओके, क्यू कंडीशनल पी के कॉलम में टी कंडीशनल टी टी, एफ कंडीशनल टी टी, टी कंडीशनल एफ एफ, एफ कंडीशनल एफ टी. कंडीशनल का हमें पता है पहला टी दूसरा एफ रहेगा तो ही एफ लेना है, अदरवाइज टी लेना है. टी कंडीशनल टी टी, एफ कंडीशनल टी टी, टी कंडीशनल एफ एफ रहेगा, एफ कंडीशनल एफ टी रहेगा. ओके, अब निगेशन पी, इस कॉलम का निगेशन लेना है, टी का निगेशन एफ, इस टी का निगेशन एफ, इस एफ का निगेशन टी, इस एफ का निगेशन टी. ओके, अब हमें इन दोनों में बाय कंडीशनल लेना है, निगेशन पी मतलब कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 2 में बाय कंडीशनल लेना है. हमें बाय कंडीशनल पता है, अगर दोनों एंट्री सेम रहेंगे तो हम टी लेते हैं, दोनों एंट्री डिफरेंट रहेंगे तो हम एफ लेते हैं. अब इन दोनों में बाय कंडीशनल लेना है हमें, टी बाय कंडीशनल एफ एफ. ओके, एफ बाय कंडीशनल एफ टी. ओके, टी बाय कंडीशनल टी टी, एफ बाय कंडीशनल टी एफ. समझ रहे ना, बाय कंडीशनल में अगर दोनों एंट्री सेम रहेगी तो ही हम क्या लेते हैं, टी लेते हैं, अदरवाइज एफ लेते हैं. टी बाय कंडीशनल एफ एफ, लेकिन एफ बाय कंडीशनल एफ टी, टी बाय कंडीशनल टी टी. देखिए यहां के दोनों एंट्री डिफरेंट है तो हमने एफ लिया, यहां के दोनों एंट्री डिफरेंट है तो हमने एफ लिया, ये दोनों एंट्री सेम है टी लिया, ये दोनों एंट्री सेम है टी लिया. ओके, अब कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 5 में हम और लेते हैं, 3 और 5 में टी और एफ टी रहेगा, टी और टी टी रहेगा, एफ और टी टी रहेगा, टी और एफ टी रहेगा. ठीक है, देखिए टी और एफ टी, टी और टी टी, एफ और टी टी, टी और एफ टी. ओके, तो इस कॉलम नंबर 6 में हमें सभी एंट्रीज टी मिले हैं. ये जो हमें स्टेटमेंट पैटर्न दिया था जिसका ट्रूथ टेबल हमें कंस्ट्रक्ट करना था, तो उसके लिए सभी एंट्रीज हमारे पास टी है. इस प्रकार के स्टेटमेंट पैटर्न को हम कहते हैं टॉटोलॉजी. ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सब क्वेश्चन 8, स्टेटमेंट पैटर्न क्या हमारे पास, पी कंडीशनल, क्यू कंडीशनल, आर बाय कंडीशनल, पी एंड क्यू कंडीशनल आर. अब यहाँ पे कॉलम्स कितने रहेंगे ट्रूथ टेबल में ये देखते हैं. ठीक है ना, हमें ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है तो इस ट्रूथ टेबल में कॉलम कितने रहेंगे. लुक हियर, सिंपल स्टेटमेंट्स 3 है, पी क्यू आर, दीज आर द 3 सिंपल स्टेटमेंट्स. ओके, नाउ काउंट द लॉजिकल कनेक्टिव्स, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लॉजिकल कनेक्टिव, 3 + 5 = 8, 8 कॉलम्स रहेंगे. कौन कौन से, पहला कॉलम पी. ओके, पहला कॉलम रहेगा पी, फिर क्यू, तीसरा कॉलम रहेगा आर. इसके बाद हम ले सकते हैं क्यू कंडीशनल आर, इसका वैल्यू, फिर पी कंडीशनल क्यू कंडीशनल आर. ओके, फिर इसके बाद में लेते हैं हम पी एंड क्यू, फिर इसके बाद लेते हैं हम पी एंड क्यू कंडीशनल आर, और इसके बाद का कंप्लीट क्या दिया है हमें, पी कंडीशनल Q कंडीशनल R. ओके, फिर बाय कंडीशनल P एंड Q कंडीशनल R. ठीक है, देखिए कॉलम हमारे पास कितने हैं, फिर कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल 8 कॉलम्स हैं. ओके, अब कॉलम पी में एंट्रीज कितने आएंगे, एंट्रीज देखिए यहां पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स 3 है, सिंपल स्टेटमेंट्स मतलब 2 raised to 3 = 8. हर एक कॉलम में 8 एंट्रीज रहेंगे. क्यों लिया 3 हमने, बिकॉज 3 स्टेटमेंट्स आर देयर. ओके, नाउ पी के कॉलम में देखिए क्या रहेगा, टी 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 टी, 4T 4F. ओके, फिर क्यू के कॉलम में 2T 2F,
अगेन 2t, 2f, rk कॉलम में 1t, 1f, tf, 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 ठीक है। q कंडीशनल r, देखिए क्या रहेगा, q कंडीशनल r, q कंडीशनल r, कंडीशनल में पहला t दूसरा f है तो ही f मिलेगा, अदरवाइज t लेना है, t कंडीशनल t, t, लेकिन t कंडीशनल f, f, पहला t दूसरा f, f, f कंडीशनल t, t, f कंडीशनल f, t, t कंडीशनल t, t, t कंडीशनल f, f, f कंडीशनल t, t, f कंडीशनल f, t, कंडीशनल में पहला t दूसरा f है तो ही f लेना है, बाकी सब जगह पे t लेना है, ओके। नाउ p कंडीशनल q कंडीशनल r, मतलब कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 4 में हमें कंडीशनल लेना है, t कंडीशनल t, t, t कंडीशनल f, f, t कंडीशनल t, t, t कंडीशनल t, t, f कंडीशनल t, t, f कंडीशनल f, t, f कंडीशनल t, t, f कंडीशनल t, t, कंडीशनल में पहला t दूसरा f है तो ही f लेना है, बाकी सब जगह पे t लेना है। अब p एंड q, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 में एंड लेना है, देखिए t एंड t है तो t लेना है, अदरवाइज f लेना है, t एंड t, t, t एंड t, t, लेकिन t एंड f, f रहेगा, t एंड f, f रहेगा, f एंड t, f रहेगा, f एंड t, f रहेगा, f एंड f, f रहेगा, f एंड f, f रहेगा, ओके। अब p एंड q कंडीशनल r, t कंडीशनल t, t है, t कंडीशनल f, f है, f कंडीशनल t, t है, f कंडीशनल f, t है, f कंडीशनल t, t रहेगा, f कंडीशनल f, t रहेगा, f कंडीशनल t, t रहेगा, f कंडीशनल f, t रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से p एंड q कंडीशनल r का जो कॉलम है हमें क्या मिला है, t f, t t, t t, t t। अब हमें क्या करना है, कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 7 में बाय कंडीशनल लेना है, कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 7 इन दोनों में बाय कंडीशनल लेना है, ओके। बाय कंडीशनल हमें पता है, देखिए बाय कंडीशनल में दोनों एंट्री सेम रहते हैं तो टी लेना है, दोनों एंट्री सेम मतलब टी बाय कंडीशनल टी, टी लेना है, एफ बाय कंडीशनल एफ, टी ही लेना है, लेकिन अगर दोनों एंट्री डिफरेंट रहेंगे तो उसका आंसर हमें एफ लेना है। लुक हियर, टी बाय कंडीशनल टी, टी, एफ बाय कंडीशनल एफ, टी, टी बाय कंडीशनल टी, 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 टी। कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 7 में देखिए एंट्री सेम ही है, टी टी टी, एफ एफ टी, टी टी टी। देखिए कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 7 सेम है, सेम एग्जैक्टली सेम है, टी एफ ऑल टी, टी एफ रिमेनिंग ऑल टी। तो एंट्रीज अगर सेम है तो उसका बाय कंडीशनल हम टी ही लेते हैं, तो टी बाय कंडीशनल टी, टी, एफ बाय कंडीशनल एफ, टी, टी बाय कंडीशनल टी, 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 टी। तो कॉलम नंबर 8 में हमें सभी एंट्रीज यहाँ पे टी मिले हैं, ठीक है। इस प्रकार के स्टेटमेंट पैटर्न को क्या कहते हैं हम, इट इज कॉल्ड टॉटोलॉजी। जब सभी एंट्रीज टी रहेंगे तो उस प्रकार के स्टेटमेंट पैटर्न को हमें हम वहाँ पे टॉटोलॉजी कह सकते हैं। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन हमें आगे सॉल्व करना है, डिटरमाइन द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न, टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कंटिजेंसी। सभी एंट्रीज अगर टी है तो टॉटोलॉजी, सभी एंट्रीज एफ है तो कॉन्ट्रडिक्शन, कुछ एंट्रीज टी और कुछ एंट्रीज एफ रहेंगे मतलब मिक्स रहेंगे तो उसे हम कहते हैं कंटिजेंसी, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। सब क्वेश्चन 9 देखिए, पी कंडीशनल निगेशन ऑफ क्यू एंड आर, ठीक है। यहाँ पे 3 सिंपल स्टेटमेंट्स है, कौन कौन से, पी क्यू आर और लॉजिकल कनेक्टिव 1 2 3, 3 + 3 = 6, 6 कॉलम्स रहेंगे ट्रूथ टेबल में, ठीक है। यहाँ का जो ट्रूथ टेबल रहेगा उसमें 6 कॉलम्स रहेंगे, पहला कॉलम पी, ओके, यहाँ का जो पहला कॉलम है पी रहेगा, दूसरा कॉलम क्यू, तीसरा कॉलम रहेगा आर, पी क्यू आर, नेक्स्ट कॉलम रहेगा क्यू एंड आर, फिर नेक्स्ट कॉलम रहेगा निगेशन ऑफ क्यू एंड आर, और लास्ट कॉलम रहेगा पी कंडीशनल निगेशन ऑफ
क्यू एंड आर, ठीक है, कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब एंट्रीज कितने रहेंगे, टू कॉलम, टू सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, 2 raised to 2 इक्वल्स टू 4 एंट्रीज रहेंगे। देखिए एंट्रीज टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, सॉरी थ्री कॉलम, सॉरी थ्री स्टेटमेंट्स हैं, 2 raised to 3 इक्वल्स टू 8 एंट्रीज रहेंगे, थ्री स्टेटमेंट्स हैं तो 8 एंट्रीज रहेंगे, सॉरी 8 एंट्रीज फिर क्या रहेंगे, टी 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 एफ 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 44 एफ, क्यू 2t 2f, अगेन 2t 2f, ओके, फिर आर के कॉलम में टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, इस प्रकार के एंट्रीज हमने लिए हैं। अब Q एंड R, T एंड T, T, T एंड F, F, F एंड T, F, F एंड F, F, हमें पता है एंड में दोनों T है तो ही T लेना है, बाकी F ही लेना है हमें, T एंड T, अगेन T, T एंड F, F, F एंड T, F, F एंड F, F, ओके, अब इसका निगेशन लेना है, T का निगेशन, ये F, फिर T, 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 F T T T, इसका हमने निगेशन लिया है। नाउ P कंडीशनल, P कंडीशनल निगेशन ऑफ Q एंड R, ओके, मतलब कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 5 में कंडीशनल लेना है। कंडीशन हमें पता है अगर पहला T दूसरा F है तो ही वहां पे F आएगा, अदरवाइज T आएगा कंडीशनल में, T F F आएगा, T कंडीशनल F क्या रहेगा, F कंडीशनल में पहला टी दूसरा एफ रहेगा तो ही एफ आएगा, अदरवाइज टी हम टी लेते हैं। अब टी कंडीशनल टी 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 कंडीशनल टी 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 कंडीशनल टी 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 एफ कंडीशनल एफ टी एफ कंडीशनल टी टी एफ कंडीशनल टी टी एफ कंडीशनल टी टी, ओके, देखिए कॉलम नंबर 6 में हमें एंट्रीज मिक्स मिले हैं, सभी टी नहीं है सभी एफ नहीं है, ओके, तो इस प्रकार के स्टेटमेंट पैटर्न को हम कहते हैं कंटिंजेंसी। ऑल द एंट्रीज इन दिस कॉलम आर नाइदर टी नॉर एफ, सभी टी नहीं है सभी एफ नहीं है, तो इस प्रकार के स्टेटमेंट पैटर्न को हम क्या कहेंगे, कंटिंजेंसी, ठीक है। अब हमें एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट सब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट सब क्वेश्चन, P और निगेशन Q कंडीशनल R एंड P, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट्स 3 है, P Q R, ओके, लॉजिकल कनेक्टिव हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, 3 + 4 इक्वल्स टू 7 कॉलम रहेंगे, ठीक है। इस ट्रूथ टेबल में लुक हियर, हम ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, पहला कॉलम P, दूसरा कॉलम Q, तीसरा कॉलम R रहेगा, फिर इसके बाद का कॉलम लेते हैं हम निगेशन Q, क्या है निगेशन क्यू, फिर इसके बाद पी और निगेशन क्यू, ओके, फिर आर एंड पी, ठीक है ना, फिर इन दोनों में कंडीशनल, पी और निगेशन पी, निगेशन क्यू, कंडीशनल आर एंड पी, ओके, देखिए कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने कॉलम मिले हैं, 7। अब एंट्रीज कितने रहेंगे, थ्री सिंपल स्टेटमेंट्स है, 2 raised to 3 इक्वल्स टू 8, जितने भी सिंपल स्टेटमेंट्स रहेंगे उनको हमें 2 के पावर में लेना है, 2 raised to 3 8, मतलब 8 एंट्रीज रहेंगे, ओके, टी 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 4, एफ 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 4, ओके, फिर 2t 2f, 2t 2f, फिर 1t 1f, tf 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 tf, निगेशन q, इसका निगेशन लेना है, f f t t
टी एफ एफ टी टी। अब हमें क्या करना है, पी और निगेशन क्यू, इन दोनों में और लेना है। टी और पी और निगेशन क्यू मतलब कॉलम नंबर वन और कॉलम नंबर फोर में हमें और लेना है, वन और फोर में। और का हमें पता है दोनों अगर एफ है तो ही एफ लेते हैं, अदरवाइज हम टी लेते हैं और में। ओके, तो टी और एफ टी, टी और एफ टी, टी और टी टी, टी और टी टी, एफ और एफ एफ। ओके, एफ और एफ एफ, एफ और टी टी, एफ और टी टी। अब आर एंड पी, थ्री एंड वन, आर एंड पी, टी एंड टी टी, एफ एंड टी एफ। एंड में अगर दोनों टी है तो ही टी लेते हैं, अदरवाइज हम एफ लेते हैं, ठीक है ना। टी एंड टी टी, टी एंड एफ एफ, टी एंड टी अगेन टी, टी एंड एफ एफ, ध्यान दीजिए एफ एंड टी, ध्यान दीजिए इधर एफ एंड टी, एफ एंड टी एफ, एफ एंड एफ एफ, एफ एंड टी एफ, एफ एंड एफ एफ। आर एंड पी के कॉलम में हमें सिर्फ दो टी मिले हैं, बाकी सब एफ हैं। अब इन दोनों में हमें कंडीशनल लेना है, मतलब कॉलम नंबर फाइव, कॉलम नंबर फाइव और कॉलम नंबर सिक्स, इन दोनों में कंडीशनल लेना है। कंडीशनल हमें पता है पहला टी दूसरा एफ है तो ही एफ लेना है, अदरवाइज टी लेना है। नाउ टी कंडीशनल टी टी, टी कंडीशनल एफ एफ, टी कंडीशनल टी टी, ध्यान दीजिए टी कंडीशनल एफ एफ, एफ कंडीशनल एफ टी, एफ कंडीशनल एफ टी, टी कंडीशनल एफ एफ, टी कंडीशनल एफ एफ। कॉलम नंबर सेवन में देखिए हमें एंट्रीज किस प्रकार से मिले, टी एफ टी एफ टी टी एफ एफ। ओके, लुक हियर, यहाँ का जो स्टेटमेंट पैटर्न है इसके ट्रूथ वैल्यूज हमें किस प्रकार से मिले हैं, सभी टी नहीं है सभी एफ नहीं है। अगर सभी टी रहते तो हम उसे टॉटोलॉजी कहते हैं, सभी एफ रहते तो कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। तो ये किस प्रकार का है, कंटिंजेंसी टाइप का, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं लिखना है हमें, लेकिन ये इसी प्रकार के प्रॉब्लम हमें आगे जाके सॉल्व करने हैं। सभी एंट्रीज अगर टी आते तो उसे हम टॉटोलॉजी कहेंगे, सभी एंट्रीज एफ आते तो उसे हम कॉन्ट्रडिक्शन कहेंगे, सभी एंट्रीज टी सभी एंट्रीज एफ नहीं है मतलब मिक्स रहेंगे, कुछ टी और कुछ एफ रहेंगे, उसे हम कंटिंजेंसी कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर वन है, उस क्वेश्चन नंबर वन से हमने, उनमें से हमने क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन नंबर फोर से लेके सब क्वेश्चन नंबर टेन तक के प्रॉब्लम बहुत ही अच्छी तरह से सीखे हैं। यहाँ पे हमने हर एक स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको हमने आज जो भी यहाँ पे सीखा है आपको समझ में आया है। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए। वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।